बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर रुबीना मुमताज। टुडे आवर कोर्स टाइटल इज़ पाकिस्तान लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिंध विद मोहम्मद बिन कासिम, कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैसे फतह किया। ये तो हमें पता है कि तारीख हमें बताती है कि फतह जो है मोहम्मद कासिम के दौर में, मोहम्मद बिन कासिम के दौर में सिंध में इस बुरे बरसगीर में इस्लाम तब नाफिज हुआ। हम देखते हैं कि इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस इनटू द साउथ पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द मेलबर कॉज थ्रू अ ट्रेड। यहाँ मेलबर्न जो हमारे पास थी, बंदरगाह थी, यहाँ तिजारत होती थी और तिजारती काफ़िले आते थे, थ्रू ट्रेड करते थे। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सिंध एंड मुल्तान। यहाँ सिंध और मुल्तान से के लोग यहाँ आके तिजारत करते थे और यहाँ जो है अरब ताजिर भी आते थे, ईरानी ताजिर, इराकी ताजिर, ये सारे लोग आके इस बंदरगाह पे। अरब क्योंकि एक रिच कंट्री था, यहाँ तिजारत के बहुत मौके थे, तो यहाँ तिजारत का एक सिलसिला था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक बहुत बड़े फातिहा थे, हज़रत उमर बिन ख़ताब, तो इन्होंने तकरीबन ये मेहरान के साहिल तक आए, लेकिन आगे ना आए, इन्होंने अपनी फौजें वापस बुला ली, क्योंकि ये इलाका एक गैर महज़ब इलाके के नाम से मशहूर था, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी फौजें आगे नहीं बढ़ाई और फिर कुछ वजूहात की बिना पर अपनी फौजें वापस बुला ली। खलीफा दौर में ये जो है हम देखते हैं कि सिंध एक इलाका फतह नहीं हुआ। अमीर माविया के दौर में ये इलाका फतह हुआ। अमीर माविया ने मशरकी अफ़गानिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी इलाके को मातहत कर दिया। वलीद अव्वल के दौर में हम देखते हैं कि वलीद अव्वल, रीजन ऑफ ए वलीद अव्वल 705 to 713, दैट सच ऑफ व्हाट द टुडे पाकिस्तान वाज ब्रॉट अंडर अ मुस्लिम रूल, के फिर वो मुस्लिम रूल के अंदर आया। प्री इस्लामिक टाइम, जो इस्लाम से हम देखते हैं कबल इस्लाम, जो जज़ीरा अरब का इलाका था, अरब एक जज़ीरा नुमा है, यानी कि उसके तीन साइड पे पानी है और एक साइड पे पानी नहीं है, इसलिए इसको जज़ीरा नुमा कहते हैं। कि जज़ीरा नुमा अरब में हिंदुस्तानी और श्री लंका के मगरबी साहिलों के माबीन तिजारत रही और एक तिजारती काफ़िला जो था कॉस्ट, जो हमारे हम देखते हैं कि मेलबर्न के साहिल की तरफ श्रीलंका की तरफ से भी लोग आते थे और हमारे पास बहरी मशरकी कजाकों जैसे माला माल था, यहाँ इस एरिया में बहुत से बहरी कजाक भी रहते थे। स्पीशीज आर इन ग्रेट डिमांड थ्रू द वेस्टर्न एशिया, जो हमारे पास मिसाला जाते वो बहुत ज़्यादा डिमांड किए जाते थे। कहाँ से किया जाता था? वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड द साउथ यूरोपियन, ये नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के जो लोग थे इस मिसाला जात को पूरा करने की कोशिश करते थे, क्योंकि यहाँ बड़े सगीर के लोगों का रहन सहन और उनकी खुराक में मिसाला जात का काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो ये मिसाला जात यहाँ से भी बाहर भेजे जाते थे और कुछ मिसाला जात बाहर से भी यहाँ लाए जाते थे। मिसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी और इन्हीं और यही मुनाफा बख्श तिजारत मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका के मुसलमान हुक्मरानों के साथ तरक्की का बाइस बनी, कि इंडिया में यही जो इनकी डिमांड्स के मुताबिक चीज़ें यहाँ लाई जाती थी वो ही तिजारत का बाइस बनी। द ट्रेड कंटिन्यू, एक ट्रेड कंटिन्यू हो गया इस एरिया में। एडवांटेजेस ऑफ द मुस्लिम रूल इन द वेस्ट एशिया एंड द नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के दरमियान एक तिजारत का सिलसिला शुरू हो गया। इट वॉज थ्रू दिस मर्चेंट्स डेट इस्लाम द फर्स्ट इंट्रोड्यूस, इन्हीं मर्चेंट्स की वजह से, मर्चेंट्स ने सबसे पहले इस्लाम को इन इलाकों में इंट्रोड्यूस करवाया था। मुसलमान ताजिर जब यहाँ आते थे उनके रहन सहन की वजह से, उनके इकदार की वजह से इस खत्ते में इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ। श्रीलंका और इंडिया में इस्लाम ताजरों की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ। सिंध जो था, सिंध उस टाइम पे
इट्स पीक ऑफ दिस टाइम सिंध में उस टाइम बहरी कजाकों के लिए ये मशहूर था। सिंध का इलाका सिंध के यहाँ साहिल पे पेरेट्स बहरी कजाकों को कहते हैं, पेरेट्स रहते थे, विच वॉज जो आने वाले मर्चेंट्स को क्या कहते थे, मर्चेंट्स कीप एंड द कॉस्ट ऑफ द सिंध एंड वुड बी रेंट फ्रॉम देयर बूटी, कि जो भी साहिल समंदर के पास से गुजरता था वो इन कजाकों के जुल्म से नहीं बच सकता था, ये उनको दबोचते थे, उनको लूटते थे और जितना उनका माल होता था। अब क्योंकि इस एरिया में जो था तिजारत बहुत थी, तिजारत होने की वजह से जो बहरी बेड़े थे उनको कजाक लूटने का एक सिलसिला सिंध वाली साइड पे चल पड़ा था। इन द फेटफुल ईयर 707 द पेट्रियट अटैक वन ऑफ द मुस्लिम मर्चेंट शिप। यहाँ से हिस्ट्री चेंज हुई। 707 में जब कजाकों ने अटैक किया मुस्लिम मर्चेंट शिप पर, एक मुस्लिम मर्चेंट शिप पर सेकिंग बैक फ्रॉम द श्रीलंका, जो श्रीलंका से और गल्फ वाली साइड से आ रही थी, तो द मैन वोमेन एंड द चिल्ड्रन, इस शिप पे औरतें मर्द और बच्चे ठीक है सवार थे, कैप्चर्ड एंड टेक इन लैंड ऑफ द सिंध, उनको ले गया, पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उनको सिंध वाली साइड पे ले गया गया, वेयर राजा इम्प्रिजन्ड देम, जहाँ राजा ने इन्हें जेल में कैद कर लिया। हजाज बिन यूसुफ जो था गवर्नर था ईरान का, ये एक नहत रहम दिल गवर्नर था और ये जानता था कि जो अरब के लोगों की जिम्मेदारी इसके अपने ऊपर है, ये अपने लोगों की हिफाजत करना जानता था। जब जो है ही रोट अ राजा दहर डिमांड एंड ए कैप्चर रिलीज, इसने राजा दहर को जो सिंध का उस टाइम राजा था उसको ख़त लिखा और कहा कि हमारे बंदों को रिलीज़ कर दिया जाए, वरना आपको इसकी और ना अपने पेट्रियट्स जो कजाक हैं उनको सजा दी जाए। राजा दहर ने इसका इनकार कर दिया। दिस रिफ्यूज सेट द स्टेट ऑफ ओन, ये जो हमारा इनकार था ये जो है ये उनको बहुत बुरा लगा। जो हमारे पास हजाज बिन यूसुफ है, उस हजाज बिन यूसुफ हैज़ रिस्पॉन्ड टू गवर्नमेंट। अब जो है हजाज बिन यूसुफ ने हाजी बिन यूसुफ को कुछ आदमियों के साथ भेजा कि जाओ और ये बातचीत से जाके इस मसाइल को हल करो। अब जो अब्दुल्ला को भेजा गया एंड एक्सप्लोरेटरी अंडर द अब्दुल्ला बिन बिनहन को भेजा गया और कहा इस मसले को हल करवाया जाए ताकि जो काम अमन से हो सके और जो काम तरीके से हो सके उसको किस तरह वो अच्छा होता है और बेहतर होता है उसको सही तरीके से अमन से सॉल्व करना। लेकिन नतीजा क्या निकला कि जो अब्दुल्ला था अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया गया और उसके साथियों को मार दिया गया। और जब ये खबर वहाँ पहुँची तो अग्रेसिव पन आ गया। तो द सक्सेसिव ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफर्ड वेपन्स ऑफ द सरप्राइज डिवेलपिंग वेपन्स, जो अब अरबों में और ईरानिया में रिवाज था कि ये लोगों के पास अच्छे हथियार थे, ये तकरीबन तमाम दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे और इनके पास तमाम साइडों से जो अच्छे हथियार थे इन लोगों ने उसको अपनी फौज में अडॉप्ट किया था। डिफेंसिव वेपन्स इनके बहुत अच्छे थे, ये अच्छे तरीके से क्योंकि तमाम दुनिया में इन्होंने हुकूमत कर रहे थे तो जो जिस खित्ते का जो अच्छा हथियार था इन्होंने वो डिफेंस अपनी फौज में मुतारिफ करवाया हुआ था। हम देखते हैं कि हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भी भेजा। By the year 700, the Muslim has imposed about a various engines of a war, बहुत से engines of the war अपने अंदर induce करवाए। Persia,
ब्रिटिशम एंड द सेंट्रल एशिया, जो प्रशिया के थे और सेंट्रल एशिया के जो अच्छे हथियार थे वो इस फौज में इंट्रोड्यूस थी. द कैटरपिलर ऑफ द वेपन्स ऑफ द वॉर वाज यूज इन चाइना. चाइना में जो हथियार यूज़ किए जाते थे 14th सेंचुरी में, ठीक है. मुस्लिम इंजीनियर्स मेड टू स्पेसिफिक इम्प्रूव ऑन द चाइना डिज़ाइन. मुसलमानों ने जो इन चाइना डिज़ाइनों पे थे इससे मज़ीद अच्छे उसी डिज़ाइन की बेस पर और अच्छे डिज़ाइन बनाए. फर्स्ट दे ऐड काउंटर वेट टू वन एंड. उन्होंने काउंटर वेट जो था वेट एंड पे लगाया. एंड द कैटर्स सो टू हार्मलेस पोलिटिकल इंजन टू करेज वेट एज द कैप्चर वॉज ए लेट गो. मुस्लिम जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने कैटवर की दूसरे सिरे पर काउंटर वेट शामिल किया ताकि काउंटर वेट की ममनुका तवानाई को बुरोकार लाया जा सके, कि जितनी तवानाई काउंटर वेट की है उस सारों को इस्तेमाल किया जा सके. ये जो था एक जंगी आलात था. एक और जो सेकेंडली जो सबसे बड़ा इस फौज के पास हजाज बिन यूसुफ की फौज के पास हथियार था वो मंजीक्स थी. सेकेंडली जो हथियार था और फिर इन्होंने सबसे बड़ा इनके नीचे इन बड़ी बड़ी मंजीक्स को खींचना बहुत मुश्किल था. इन्होंने टेक्निकली उन सब के नीचे व्हील्स लगाए. व्हील्स सो डैट लेटर जो ताकि मशीनों को आसानी से खींचा जा सके. और ये जो साहली इलाका और आगे का इलाका थर और रेतला इलाका था इस पे ये चीज़ें आसानी से घसीटी जा सके. द मंजीक कुड प्रोटेक्ट राउंड स्टोन वेट मूव देन द 200 पाउंड. इसमें राउंड स्टोन यूज़ होते थे जो तकरीबन 200 पाउंड्स डिस्टेंस तक जाते थे और कवर करते थे. और ये इतने सख्त होते थे कि बड़े वॉल्स इन द फाउंटेन एक्सटेंड डेट एट द टाइम, कि ये बड़ी बड़ी जो थी वज़न के गोले पत्थर मारे जा सकते थे और लगातार गोलाबारी इस वक्त के किलों की मजबूत दीवारों को नीचे गिराने के लिए काफ़ी थी. इतने मजबूत थे कि नीचे आराम से इन दीवारों को से गिराया जा सकता था. आफ्टर हम देखते हैं के पेरबल और पंजौर को कैप्चर करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम जो था, अब एक सिलसिला मोहम्मद बिन कासिम जो था इसको राजा दहर से लड़ने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने भेजा था. ये एक बहुत आला और किस्म का जर्नल था. आफ्टर कैप्चरिंग पंजौर और अरमल मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने आगे जो था डीबल की तरफ पेशकदमी की. विच वाज लोकेटेड नियर द मॉडर्न सिटी ऑफ कराची. देबल का इलाका जो था जो अब मॉडर्न सिटी कराची की है उसके पास था. द राजा ऑफ द देबल क्लोज द सिटी गेट. उसने सिटीज के गेट बंद कर लिए थे. एंड और फिर क्या हुआ था. और एंड अगेंस्ट द सीन ऑफ ऑफर्स वेलफेयर प्राउड. और उसको अपने आप पर और अपने इस मजबूत डिफेंस पर बहुत नाज था. वो समझता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता. लेकिन जो थी हमारे पास अरब आर्मी वो भी एक अच्छी मिलिट्री सोच रखती थी. एक उनकी अच्छी स्ट्रेटजी थी. वो इस तरीके से पहले भी बहुत से इलाके अपनी मुस्तकिल मिजाजी और अपनी बहादुरी से बहुत से इलाके पहले भी फतह कर चुके थे. और इनके पास एक हथियार था मंजीक का. द मंजीक थ्रो हैवी प्रोटेक्टिव एट द जो फोर्ट था फोर्ट के ऊपर फेंकती थी. एंड डिमोलिश इट्स वॉल और उसकी वॉल्स को तबाह कर दिया. राजा दहर फोर्ट के अंदर था और उसने ये सारे इलाके को तबाह कर दिया. आफ्टर अ मंथ एक मंथ मुहासरा रहा उस एरिया का उस फोर्ट का. एक मंथ मुहासरा किया और एक मंथ के बाद देबल फॉल देबल को फतह कर दिया गया. द लोकल गवर्नमेंट फील्ड द मुस्लिम प्रिजन हु हैज बीन हेल्ड देयर. और जो वहाँ जिनकी वजह से हुआ था और उन प्रिजनर्स को आज़ाद करवा दिया गया और वो वापस अपने इलाकों में भेज दिया गया.
अब इस एरिया में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया और यहाँ बहुत सी असलाहत नाफिज़ की। और ये जो एरा था, एरा ऑफ मोहम्मद बिन कासिम कहलाते हैं। इस दौर में मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत ज़्यादा उस एरिया में इन्फ्लुएंस अपने इस्लाही प्रोग्राम किए। फ्राम अदीबल मोहम्मद बिन कासिम कंटिन्यू एडवांटेज टू द नॉर्थ एंड द ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ इसने पेशकदमी की। इसने बलूचिस्तान का तमाम इलाका, जिसमें कुछ कंदार और फिर जोर के इलाके बलूचिस्तान के शामिल है, उसको फतह किया। और राजा दहर वाज किल्ड, राजा दहर इस जंग में मारा गया था। और फिर उसका बेटा हिसन जैली सिंह, उससे भी लड़ाई हुई और फिर उसको भी उसको वो फरार हो गया था। अच्छा, अब जो है था एक दौर का आगाज़ हुआ। अब यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हुई। लोगों ने देखा, लोग पहले ही मुतासिर थे। जो तिजारती काफ़िले आते थे और जो मर्चेंट आते थे, उनसे लोग पहले ही मुतासिर थे। इस्लाम इस इलाके में फैलना शुरू हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम की बाकायदा हुकूमत के बाद इस्लाम को तकफ़ियत हासिल हुई, सरकारी सरपरस्ती हासिल हुई। तो यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। मोहम्मद बिन कासिम को ने बहुत से प्रीचर्स यहाँ बुलाए, और जिन्होंने इस्लाम की तबलीग दी। और इस तरह एक सिलसिला शुरू हुआ और इस्लाम को फतह इस एरिया में होना शुरू हुआ। मोहम्मद बिन कासिम फाउंड ए न्यू सिटी नियर अ प्रेजेंट सिटी ऑफ द कराची, कराची के पास एक नई सिटी का आगाज़ किया। और बिल्ट अ मास्क, और वहाँ मस्जिद भी तामीर करवाई। और फिर आगे की तरफ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फातह था, ये एक जगह बैठ के अपने आप को जमूत में नहीं रख सकता था। इसने इस अपने जो थे आला अफसरान के कहने पर आगे पेशकदमी की। एडवांटेजेस नॉर्थ वेस्ट पंजाब की तरफ, नॉर्थ वेस्ट वाली पंजाब की तरफ हर मूव किया। मुल्तान वाज द टारगेट, मुल्तान इसका टारगेट था। लेकिन मुल्तान में हम देखते हैं कि गौर सिंह जो था उसकी हुकूमत थी, ये एक वहाँ का राजा था और उसने आस पास लोगों से बड़ा इल्हाक कर रखा था। और जो था फ्राम ए नेबर्स राजा, उसके नेबर राजाओं से उसका इल्हाक था और उसने आपस में एक ब्लॉक बनाया हुआ था। अच्छा, इंडिया के जो लोग थे, ये भी बहुत जंगजू किस्म की कौम थी और ये लड़ते थे। लेकिन इन लोगों का स्टाइल जो था लड़ने का, ये पैदल लड़ते थे या हाथियों को फ्रंट पे करते थे। इनका तीरबाजी वाला जो था वो आगे जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ की स्ट्रेटजी के अलावा और तरीके से जंग की, जिसकी वजह से उसको फतह हासिल हुई। उसने जो है वंस अगेंस्ट अ टेक्नोलॉजी ऑफ द मैजिकट, और भारी भारी यहाँ पत्थर फेंके और मशीनों के ज़रिए ये उसने फोर्ट को तबाह किया। और मुल्तान वाज एडेड टू अरब एम्पायर इन ईयर 713। अब यही टेक्निक जो थी वो उसने आगे मुल्तान वाली साइड पे भी अपनाई, जिसकी वजह से वो यहाँ के मकामी लोगों को की जंग के स्टाइल से बेहतर हिकमत अमली पेश करके उनसे मुकाबला करता था। और 713 में उसने जो है वो फतह कर लिया इलाका मुल्तान का भी। द कंकर्ड ऑफ द सिंध का फातह जो था, उसने यहाँ एक सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी और बहुत से अच्छे प्लान दिए। और इस इलाके में जो था एक अच्छी सिविलाइजेशन और एक मुहज्जस माशरे का आगाज़ हुआ। देयर वाज अ सच मुस्लिम स्कॉलर वुड बी लर्न फ्रॉम इंडिया मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आयरन स्मिथिंग एंड द नेम ऑफ द फ्यू सब्जेक्ट। यहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ के इल्म से बहुत से लोगों ने, जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया। और मुस्लिम स्कॉलर्स के जो इल्म था
वो यहाँ प्रमोट किया गया. मुस्लिम स्कॉलर हैज़ फोकस्ड मोर इंटरेस्टेड बिटवीन द इस्लाम एंड द वेस्टर्न हैज़, और वेस्टर्न का भी इल्म यहाँ प्रमोट किया गया. वेस्टर्न हैज़ ऑफर्ड मोर एडवांस इस्लामिक सिविलाइजेशन. वेस्टर्न में जो सिविलाइजेशन थी उसको इधर मुतारिफ करवाया गया. द फ्लो ऑफ द नॉलेज वाज ऑलवेज अवे फ्रॉम द इस्लाम टू वेस्ट. जो नॉलेज था, फ्लो ऑफ द नॉलेज था, वो इस्लाम का वेस्ट की तरफ मूव किया. बाय कंस्ट्रक्ट द मुस्लिम लर्निंग अ ग्रेट डील फ्रॉम ए इंडिया. अब हम ये देखते हैं कि एक इल्मी दौर का आगाज हुआ. जो बरे सगीर के इंडिया में जो इल्म थे वो मुसलमानों ने, अरब के मुसलमानों ने अडॉप्ट किए, और जो अरब के इल्म थे वो यहाँ लिए गए. यहाँ वेस्टर्न स्टाइल को इल्म को मुतारिफ करवाया गया. और जो हम कहते हैं कि जो सही सिविलाइजेशन के दौर का आगाज हुआ, पहले यहाँ कज़ाकों का राज था. कोई कानून नहीं था, कोई कायदा नहीं था. जिसका दिल करता था, जो पावर में होता था, वो जो है हुकूमत करता था, और बाकी सारे उसके महकूम थे. ज़ात पात का निज़ाम राज था. हिंदुओं में ज़ात पात का निज़ाम राज था. इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ की सिविलाइजेशन और अच्छे इकदाम, इस्लामी निज़ाम जब नाफिस हुआ, तो सबसे ज़्यादा लो कास्ट हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि वो अपने मज़हब से फेड अप हो चुके थे. और उन्होंने जब इस्लाम में दाखिल हुए तो उन्हें इस दीन में सच्चाई नज़र आई. मोहम्मद बिन कासिम रिटर्न ईरान. यहाँ फतुहात का सिलसिला जो था वो जारी था. मोहम्मद बिन कासिम कंटिन्यू हिज एडवांटेज टू द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पंजाब. वो नॉर्थ एंड ईस्टर्न पंजाब वाली साइड पे में इसको लेके जाना चाहता था. लेकिन वहाँ दमिश्क में कैलिफ जो था वलीद डाइड हो गया 1713 में. 1713 में ही मुल्तान फतह हुआ था, और 1713 में जब कैलिफ वलीद डाइड हुआ तो एक अजीब ही सूरत हाल वहाँ नज़र आई. तो मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया ईरान में. जस्ट मूसा बिन नसीर वाज ए सालिया फ्रॉम स्पेन एंड अबाउट द सेम टाइम. वहाँ जो हुकूमत थी वो सालिया की बन गई थी. जो मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला दिया गया था, और सालिया की वहाँ हुकूमत बन गई थी. मोहम्मद बिन कासिम इज़ द लेसन ऑफ द हिस्ट्री इम्पोर्टेंट विच इज़ असेंशन. मोहम्मद बिन कासिम को जो था तारीख में बहुत अहम जो अल्फाज में शामिल किया जाएगा. हम देखते हैं कि असेंशन के मोहम्मद बिन कासिम के ने जो दौर था उसमें जब उसको वापस बुलाया गया, तो उसकी वजह ये थी कि जो सालिया था बादशाह, उस के भाई को कत्ल किया गया था. तो उसने बदला लेने के लिए अमीर माविया के सारे ख़ानदान वालों को जेल में डाल दिया गया था. फर्स्ट फॉर कैलिफ मुस्लिम हैज़ बिन शोन एन इंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी ऑफ द इवन ऑफ द नॉर्थ द पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम अमंग द फेसेस. और हम देखते हैं कि पहले चार कैलिफ्स के जो थे सूरत हाल में वो किस तरह मास्क में तब्दीली आई लीडरशिप में. वैन द बॉडीज पोलिटिकल थ्रो इट्स फर्स्ट लीडरशिप. कि अब जो मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया गया था, उसकी वजह यही थी कि लीडरशिप वहाँ चेंज हो रही थी, और वहाँ मुख्तलिफ तरह के जो थे हम देखते हैं कि हालात ख़राब हो रहे थे. द इनहेबिटिंग ऑफ द सिविलाइजेशन एंड द नॉर्थ पोलिटिकल लीडरशिप फ्राम द बॉटम टू हैज़ बिन लिमिटेड ऑफ द मुस्लिम पावर एंड बोर्डेड सेंस अचीवमेंट ऑफ द इस्लामिक सिविलाइजेशन. इस्लाम ने हर जगह इस्लामी सिविलाइजेशन का इनकार किया, लेकिन जो हम देखते हैं सिंध में बिलखसूस ये बहुत ज़्यादा राइज हुई थी. एंड ऑफ द ब्रिलियंट जनरल इन 18th century. आफ्टर द डेथ ऑफ द कैलिफ वालिद वन द एंड ऑफ द मोहम्मद बिन कासिम वाज इवन मोर टारगेटेड दैट द मूसा बिन नसीर. मोहम्मद बिन कासिम वाज द नेफ्यू ऑफ द हजाज बिन यूसुफ, आल्सो नोन एज ए हजाज द क्रूअल
द गवर्नर ऑफ द ईरान, वो एक क्रूअल गवर्नर ऑफ ईरान था। द न्यू कैलिफ सलमान, जो सालिया था अ पर्सन डिसलाइक हाजी, और हाजी और उसके साथियों को पसंद नहीं करता था। सो सलमान टर्न इंडीड अगेंस्ट द हाजी रिलेटिव मोहम्मद बिन कासिम वाज, उसको वापस इसीलिए बुलाया गया था कि वो इसको पसंद नहीं करता था। द न्यू गवर्नर ऑफ द ईरान, जो सालिया बिन अब्दुल रहमान था, उसको क्या किया था, क्योंकि वो हजाज बिन यूसुफ का वो भतीजा था, तो उसको अरेस्ट कर दिया गया, उसको प्रिजन में रखा गया, उसको ब्लाइंड कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम वाज ब्लाइंडेड, ये बहुत बड़ा तारीख में देखते हैं कि एक मिसहैप था कि इसको मोहम्मद बिन कासिम को अंधा कर दिया गया था, अनटर्न टू द किल, और किल कर दिया गया था। द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द, जो था 18th सेंचुरी के जनरल की लाइफ का एंड हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम, अब ये एक एंड होने के बाद, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का इस खित्ते पर एक एहसान है कि इस्लाम उसके दौर में इंट्रोड्यूस हुआ और मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ बहुत सी इस्लाहात नाफिज की। मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुली इस पूरे इलाके को फतह करता चला गया था, और ये उसका तारीख में एक अहम मकाम है। और हम इसके साथ ही अपने लेसन का इख्तिताम करते हैं, और मोहम्मद बिन कासिम की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता।